जी ने मुखमा ब्रह्मांड दर्शन। श्री हरिना दर्शनार्थे देव ऋषि अप्सरा आदिनो आगमन। पितानी परीक्षा में श्री हरि ने शास्त्रों पर रुची। घन श्यामात्मा ज बोलिया सुनो राम शरण जी भाई। विस्तारी ने वर्णवो वणी वालम जीनी वड़ाई। सांभड़ता सुख उपजे पापी था पवित्र। सुधा पिता था अमार एवं छे चरित्र। घन श्याम ना गुण गाता वादे छे हर्ष अपार। स्नेहति संभड़ावो छू सार तनो वड़ी सार। प्रभुए प्रगट थईने लीला करी छे अपार। पण बुद्धि अनुसारे कहो चित्त धरो निर्धार। पण बुद्धि अनुसारे कहो चित्त धरो निर्धार। वड़ी एक दिन मध रात भर निद्रा मा पोढ़िया ता मात। पूर्व दिशा भणी भीत माए हती जाड़ी ते घर नी त्याए। पोढ़िया पारणे श्री घन श्याम पड़ो चंद्र प्रकाश ते ठाम। नेत्र उघाड़ी ने जोयो नाथ देख्यो निशापति तेज साथ। कर वधारी ने लांबो की दो जट चंद्र माने जाली ली दो। पकड़ी लाव्या छे घर माया जब की जाग्या माता जी ताया। जुए छे तो घर मा प्रकाश वालो ते संगे करे विलास। अचानक उभा थया माता तर्त तेड़ी लीधा जग त्राता। भयभीत थई गया भारे वड़ी माता जी मन विचारे। दीदी बिशो नहीं दिल माए आ तो चंद्रमा आव्या छे आए। एवं सुनी राजी थया मन मुकी दीदा छे त्यानिज तन। कीधो चंद्रमाए नमस्कार गया निज स्थानक मोजार। सुनो राम शरण आनंदे पद रचा छे ते भूमानंदे। करियो छे ते नूरुडो वर्णना सुनता थाय पापी पावना। बड़ी बीजी का हुए एक पेर भक्ति माता छे पोता ने घेर। निज पुत्र ने लई उत्संगे करावे स्तन पान उमंगे। धावी ने तृप्त थया छे धीर। कर्यू चरित्र एक गंभीर। बगासु बहु नामी खादू देखायू ते मा ब्रह्मांड बादू। निज वदन मानीर धार देखाड़ा चौद भुवन सार। बब ब्रह्मा विष्णु वणी इंद्र तारा मंडल सहित चंद्र। शिशु मार चक्र
पसात लोकालोक अलोक विख्यात महागिरी जूत धरा जे सात समुद्र कही ते जे अव्याकृत धामे सहित भूमा पुरुष माया रहित एवानंत आश्चर्य भिन्न देखाड़ा एक काला विचिन्न अद्भुत चरित्र ते निर्ख्या भक्ति माता मन घड़ु हरख्या वसंता बाई आदि जे बेन तेने वात कही सुख देन छपैया पूर्णा सहुजन जाड़ी आशर पाम्या छे मन एवी लीला करे छे अपार सुख आपे छे धर्म कुमार एक समय श्री धर्म ने द्वार आव्या पुण्य देव तेणी वार नारद तुम्बरु ब्रह्मा साथ आव्या दर्शन माटे सनात नृत्य करी ने नारद ऋषि करा श्री घन श्याम ने खुशी तुम्बरु ए बजाव्यु छे ताना करु मधुर स्वर थी गाना वड़ी कमलासन ते ठार आवी करे वेद उच्चार बहुनामी छे बालक रूप घणा राजी थया सुर भूप चपैया पूर ना जे हजन आव्या धर्म ने द्वार पावन घन श्याम नी शोभाने जोई नर नारी रया मन मोई मोटा मोटा मुनि लल छाया चित आतुर थई खेचाया गति गोविंद नी अति गुण थया मनुष्य त्यादि गमूढ राम प्रताप देव शराम गया तालो पाम्या ते मामो भाणेज करे विचार जीव माएज भारे प्रतापी श्री घन श्याम जेनु जोगी जपे नित्य नाम पोढ़्याता प्रभु जी बाल स्वरूप उठी बारणे आव्यानूप देवताओं ने दर्शन दीधा सहु काम जे सफल केदा रंभा फलनी प्रसादी आपी पीड़ा जन्मो जनमनी खापी नमस्कार करी ते देवा थया दश आकाशे वा पाछा जई पोड़ा पर ब्रह्मा तेनो कोण जानी शके मर्मा अद्भुत जोई चरित्र प्राणी मात्र दया छे पवित्र एक दिवस धर्म कुमार पोढ़िया पोते पलंग मोजार स्वर्ग लोक थकी तेणी वार आवी अप्सराओ निर्धार करवा प्रभु जी ने प्रसन्न नृत्य करे छे धारी ने मन उर्वशी रंभा आदि जे हा करे मीठे स्वरे गान ते हा धर्म देवना द्वार गाड़ी नाचे रंभा दी ताल वा गाड़ी
भैया पूरवासी जे जना शब्द सुनी थया छे मागाना जुवे राजी थई नर नार जेनी शोभा तानो नहीं पार रड़ा सर्वे ना शोक संताप मड़ा प्रगट प्रभु जी आप भारे भीड़ थई छे रे त्याय घना मनुष्य आवे छे जाय छपैयापुर जे भाग्यवान जा प्रकट थया भगवान सुंदरियो करे छे सवन जय 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 भगवान पछे बारणे आव्या जीवन देवारंभा दीने दर्शन सुनी राजी तया प्राणपति आप्या फण नारंगी नाती आज्ञा मांगी ने अदृश्य थई पोत पोता ने स्थान के गई पाचा घर मा गया मोरारी उड़िया पलंग मा सुखकारी नित्य आपे छे आनंद टाळवा जीवना बाबा फंद करे मानुषी लीला विहारी ते तो समझी शके संस्कारी आव्या अक्षर थी अल बेलो करे चरित्र सुंदर छेलो बड़ी भक्ति धर्म एक बार पुत्रनी परीक्षा जोवा प्यार मुख्य पुस्तक ने सोना मोर पासे आयोध ते एक ठोर देखी ने त्या दौड़िया दीना नाथ मुख्य पुस्तक ऊपर हाथ धर्मदेवे धार्यो हे ममाना आतो शास्त्र वेता था शेताना भक्ति धर्म पूर्ण भाग्यवाना जेना पुत्र थया भगवाना छपैया पूरवासी ना सुख शुभ खाणी कहू एक मुख वास करियो प्रभुए जेठार इच्छे अमर त्यावतार ए तो बात घणी छे दुर्लभ पण सेवक ने तो सुरलभ जेने माटे योगी योग साधे अहिपति अखंड आराधे स्वप्ने ना पामे दर्शन पाम्या छे तेने तो धन्य धन्य पाम्या छे तेने तो धन्य धन्य